ఏకైతం కలో ఇంకి ద్వైతం ఇదట్లో ఇంకా ఏకైతం दोनों जगहों पे बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप इसे ट्रू से मल्टीप्लाई कर दें, इसे ट्रू से मल्टीप्लाई कर दें तो मसला बिल्कुल इजी हो जाता है। यानी आप एस सी एल के शुरू में कॉफिशेंट ट्रू लगा दें तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। एच टू इधर हाइड्रोजन के दो एटम, क्लोरीन के दो एटम, इधर क्लोरीन के दो एटम, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। Sb plus Cl2, Sb antimony, Cl2 chlorine, these chemical react with each other to produce SbCl3, antimony chloride, antimony chloride, arrow कि बैक पर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, एंटीमनी का एक एटम, क्लोरीन के दो एटम, इधर एंटीमनी प्रोडक्ट में एक एटम और क्लोरीन तीन एटम, तो ये दोनों चीजें बैलेंस हैं। दोनों साइड पर एंटीमनी, दोनों साइड पर एटम बैलेंस है। अब प्रॉब्लम कहां नजर आ रही है, वो क्लोरीन के अंदर। इसे आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, इसे आप टू से मल्टीप्लाई कर दें और ये रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होगा। या टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एंटीबॉडी के दो एटम बन गए और क्लोरीन के सिक्स एटम। इस साइड पर थ्री से मल्टीप्लाई करें तब क्लोरीन सिक्स हो गए और एंटीबॉडी के लिए आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें और ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन गिव्स एस एन सी एल फोर सिटैनिक क्लोराइड, एस एन टेन कली जो बर्तनों की जाती और क्लोरीन गैस, इसके केमिकल रिएक्शन से हमें जो चीज मिलेगी वो है सिटैनिक क्लोराइड। एटम बिनी टेन एक एटम क्लोरीन, दो एटम टेन एक एटम क्लोरीन, चार एटम। इसका मतलब है कि हमें यहां पर टू से मल्टीप्लाई करना होगा और टू से मल्टीप्लाई